हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिया है। आज के वीडियो में हम सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कुछ सैम्पल आंसर्स भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपका रिज्यूम इंटरव्यूअर को आपकी शिक्षा और अनुभवों के बारे में परिचय दे देता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ऐसे स्थितिजन्य प्रश्न पूछते हैं जो आपकी समस्या को सुलझाने, तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की क्षमता का परीक्षण करते हों। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिचुएशनल इंटरव्यू में कैंडिडेट से विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे अपनी नौकरी के दौरान कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे। उम्मीदवार को एक स्थिति का आंकलन करने और समाधान प्रदान करने के लिए कहा जाता है जिसे वो आगे संभालेंगे। स्टार मेथड के साथ सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें? स्टार मेथड एक वेल नोन मेथड है जिसकी हेल्प से क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स तैयार किए जाते हैं। स्टार का मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद सैंपल आंसर्स। मुझे एक ऐसी स्थिति के बारे में बताएं जहां आपको एक ऐसे सहकर्मी के साथ काम करना पड़ा जिसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था। इस तरह के सवाल में इंटरव्यूअर आपकी एक टीम के रूप में काम करने की क्षमता का आकलन करना चाहता है। एक उदाहरण का प्रयोग करें जो दर्शाता हो कि आप कठिन लोगों से निपटने के दौरान भी संयमित रहकर कार्यों को पूरा कर सकते हैं। सैंपल आंसर। मेरे एक सहकर्मी थे जो हमेशा चाहते थे कि चीजें उनके तरीके से हों। इस वजह से उनके कई सहकर्मियों के साथ टकराव भी होते रहते थे। एक बार कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करने के लिए उनके साथ एक मंथ का सोशल मीडिया कैंपेन के लिए टीम बनानी पड़ी। मैं चतुर थी और पूरे समय खुद को कूल रखती थी। जब भी हम असहमत हुए तो मैं उन्हें सुनती थी और अपनी बात को उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त डेटा और सिद्ध सिद्धांतों के साथ उन्हें अपनी बात समझाती थी। उन्होंने मेरी बात समझी और मेरा काफ़ी सम्मान भी किया, जिस वजह से हमारा कैंपेन भी काफ़ी सफल रहा। मुझे उस समय के बारे में बताएं जब आपने ग्राहक की अपेक्षाओं को पार कर लिया हो। इस प्रकार के प्रश्न में यह महत्वपूर्ण है कि आपका उत्तर यह दर्शाता हो कि आप ग्राहकों की आवश्यकता को समझते हो और उन्हें भावनात्मक रूप से समझने में सक्षम हो और आप उन्हें सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। सैंपल आंसर। मैं फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपनी पिछली नौकरी में न्यूयॉर्क के लिए लंबी दूरी की उड़ान पर थी। एक लड़की अकेली यात्रा कर रही थी जो घबराई हुई सी लग रही थी। खाना परोसने के दौरान मैंने पैसेंजर मैनिफेस्ट पर देखा कि उसका जन्मदिन 3 घंटे में है, तो मैंने क्रू के साथ मिलकर केक और जन्मदिन गीत के साथ उसे सरप्राइज किया। बाद में लैंडिंग से पहले पायलट ने उसे लाउडस्पीकर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वह काफ़ी खुश लग रही थी और काफ़ी सरप्राइज भी थी। मुझे उस समय के बारे में बताएं जब आप बहुत अधिक कार्यों से भरे हुए थे और उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, और आपने कैसे सामना किया। इस प्रकार के प्रश्न में इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आप तनाव में कैसे व्यवहार और प्रदर्शन करते हैं। आप एक ऐसा उत्तर दें जिससे यह पता चलता हो कि आप शांत रहकर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करके भी समाधान दे सकते हैं। सैंपल आंसर। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर के रूप में सभी दिन काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन मैंने पाया कि हमारी आधी टीम के बीमार होने के कारण इनबॉक्स ईमेल से भर गया था। मैंने महत्व और प्राथमिकता देखते हुए सूची बनाई और तय किया कि पेरोल से संबंधित प्रश्नों को पहले संभाला जाना चाहिए। दिन के अंत तक मैं कार्यों को सफलतापूर्वक करने में कामयाब रही और बाकी टीम के लिए अधिक कुशलता से काम करने के लिए एक प्राथमिकता सूची भी तैयार कर दी थी। अपने काम के दौरान की गई एक गलती का वर्णन करें, आपने उसे कैसे संभाला। आपकी कमजोरी को मापने के अलावा इंटरव्यूअर यह भी देखना चाहता है कि आप असफलता से कैसे निपटते हैं और इससे सीख प्राप्त करने में सक्षम हैं कि नहीं। अपनी गलती स्वीकार करने में ईमानदार रहें, लेकिन यह भी उल्लेख करें कि आपने अपनी गलती को कैसे सुधारा। सैंपल आंसर।
एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में आंकड़ों से बहुत सावधान रहना होता है। अपनी पिछली कंपनी के संभावित बाजारों का विश्लेषण करते समय मैंने गलती से एक अविश्वसनीय स्रोत से डेटा का उपयोग कर लिया था। रिजल्ट ने मेरे मैनेजर को कंफ्यूज कर दिया था और उन्हें नहीं पता था कि वह निवेशकों को यह कैसे समझाएंगे। बाद में फाइल की जांच करते समय मैंने गलती देखी और तुरंत अपने मैनेजर को सूचित किया ताकि हम प्रस्तुति से पहले जानकारी सुधार सकें। इस अनुभव के बाद मैं हमेशा डेटा को डबल चेक करती हूं ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। यदि आपके प्रबंधक ने आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा है जो आपने पहले कभी नहीं किया था तो आप इसे कैसे करेंगे? इस सवाल में इंटरव्यूअर यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं और नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने उत्तर में नई चीज़ों को सीखने और उसका उपयोग करने में खुलापन दिखाने जैसा उत्तर देना है। सैंपल आंसर। एक मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में मुझे नए मार्केट पर रिसर्च करने और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह मेरा पहला असाइनमेंट था। मैंने अपने मैनेजर को सूचित किया कि मैं सीखने और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने बुनियादी रिसर्च और एनालिसिस पर ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया। सप्ताह के अंत तक मेरे पास एक डिटेल रिपोर्ट तैयार थी और विभिन्न शोध पद्धतियों की गहरी समझ भी थी। इसने मेरे मैनेजर को प्रभावित किया और इसलिए मुझे महीने के भीतर ही प्रमोशन भी मिल गया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, टेक केयर।